देखो जरा बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, समझ रहे? व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? बाइनरी ऑपरेशन भी एक फंक्शन होता है, पहली बात तो समझ में आनी चाहिए कि कैसे फंक्शन होता है। बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है, एफ कहां से कहां, ए क्रॉस ए से लेके ए तक, ठीक है। अगर इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस ए का कोई भी एलिमेंट ए कोमा बी टाइप का होगा, ये डिफाइंड एज ए स्टार बी। इसको फंक्शन होने के लिए किस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ए और यानी कि ए क्रॉस ए के हर एक एलिमेंट की इमेज हो, तो इमेज होने के लिए ए स्टार बी हमेशा किस में आना चाहिए, ए में। तो दैट इज वी से दैट इफ ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए फॉर एवरी A belongs to A, then star is a binary operation. आज मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से करवाऊंगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक। एक तो बात यह समझना, इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आज की वीडियो में, आधे घंटे की वीडियो रहेगी और आधे घंटे में इसको बार बार रिपीटेडली देख लेना, जो देखेगा उसको फायदा मिलेगा। अब एग्जांपल आते हैं कि यार ये सेट ए और बी किसके कंट्रोल में, आप ही बताइए किसके कंट्रोल में, आराम से टेक्निकली समझना, हुज कंट्रोल। ये तो गिवन होंगे हमें, ऐसा दे दिया गया, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दे दिया, और उस पे ऑपरेशन डिफाइन कर किया ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। यहाँ ए और बी क्या है, जब इस पे दे दिया गया और स्टार इज डिफाइंड ऑन दिस, आपको इंश्योर करना है कि ए स्टार बी क्या हमेशा नेचुरल नंबर देगा, आंसर इज नो, आंसर इज नो। यहाँ आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर ये जो फंक्शन है एफ, ये एन क्रॉस एन से लेके एन तक चला होगा, और वो ऐसे क्या हमेशा आउटपुट में नेचुरल नंबर आएगा, आंसर इज नो। बिकॉज वाई, बिकॉज वन स्टार टू करेंगे तो वन माइनस टू माइनस वन आएगा, विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? अगर इसी ऑपरेशन को ए स्टार बी को मैंने ऐसे डिफाइन किया होता, ए प्लस बी फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, तो देन अब आप देखेंगे दो नेचुरल नंबर्स का सम हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर। अब आप लिखोगे सिंस ए एंड बी, this will imply a plus b is always a natural number, so therefore star is a binary operation, is a binary operation on set n, clear hai? any problem in that? अच्छी बात है, चलो। तो एक बात है, ये सेट तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये बदलता रहेगा और कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। अगर मैं ऐसे डिफाइन कर देता कि a star b is equal to a माइनस बी ऑन इंटीजर जेड, तो क्या अब ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाता, होता या नहीं होता? कैसे होता? क्योंकि अगर a और b दोनों इंटीजर हैं, दिस विल इम्प्लाई, और उनको बाहर बोलो कि चुप करके बैठना है, a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, देन स्टार इज a बाइनरी ऑपरेशन। एक बड़ा हॉट क्वेश्चन चल रहा है आजकल एग्जाम्स में, कहता है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज एन, फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन सेट ए, बता सकते हो कितने आएंगे? नहीं, फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, ऑन सेट ए, जो कि आएंगे एन की पावर एन स्क्वायर। कैसे आता है मैं बताता हूँ, नहीं समझ में आया ना, मैं बताता हूँ, लाइए अब आप जवाब आप ही देंगे। सेट ए में कितने एलिमेंट बताए मैंने, आप ही कितने? बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए कहाँ से कहाँ फंक्शन होना चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितने आ जाएंगे बताओगे जरा, एन स्क्वायर आ गया। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है,
क्लियर है। मान लो यहाँ पर सेट ए में मेरे पास से एम एलिमेंट्स हैं, ए वन ए टू ए एम, और यहाँ पर एन एलिमेंट है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप हाउ मेनी फंक्शंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, बता सकते हो कितने आएंगे? आप ही बताइए। पहले एलिमेंट को इमेज देने के लिए हाउ मेनी ऑप्शन वी हैव, एन एन ऑप्शंस। दूसरे के लिए अगेन एन ऑप्शन। ये नंबर ऑफ फंक्शंस इस केस में आया एन इंटू एन इंटू एन, हाउ मेनी टाइम्स, कितना आया एन की पावर एम। बेटे एन को एम टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर उसकी पावर शिफ्ट होगी ना, एन की पावर एम आ गया। क्लियर है? तो बाइनरी ऑपरेशन काउंट करने के लिए मुझे क्या काउंट करना चाहिए था, हाउ मेनी फंक्शंस यू कैन डिफाइन ए क्रॉस ए टू ए, उतने तो बाइनरी ऑपरेशन होंगे। इसको अगर आप देखा जाए तो ये बेसिकली क्या बना है, आराम से देखना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। यहाँ पर क्या आएगा, नहीं मैंने उल्टा लिख दिया है, एक मिनट ना, एन नंबर बी यहाँ पे आएगा, बी ये है और ए है, क्योंकि बी में कितने एन एलिमेंट लिए हमने, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, कितने थे एन, और उसकी पावर क्या बन गया, एन स्क्वायर बन गया। एक नंबर का क्वेश्चन आ गया ऐसे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज टू, फाइंड नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। On set A, कितना आ जाएगा, 16। एक नंबर यहाँ, अब आपको जो ना पेपर में जो क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस क्या 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 है वो देख लीजिए, व्हाट टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस क्या है ये, सबसे पहले आता कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन आप कैसे वेरीफाई करते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू द गिवन सेट ए। स्टार हैज टू बी बाइनरी ऑपरेशन फर्स्ट, हम ये वेरीफाई करेंगे दोनों साइड से। नंबर टू आता है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। That is A star B star C, ऐसे फिर A star B star C for all A B C belongs to A, ठीक है। हमें यहाँ पर भी लेफ्ट से राइट, क्योंकि यहाँ सफलिंग ऑफ ब्रैकेट्स हैं सर, यहाँ पर B और C का एसोसिएशन A के साथ और A और B का एसोसिएशन C के साथ एक जैसा होना चाहिए। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या है, दैट इज फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू द सेट ए देयर एग्जिस्ट्स ए यूनिक एलिमेंट ई बिलोंग्स टू ए सच दैट ए स्टार ई और ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, ई इज the identity element with respect to star। identity element हमेशा operation के respect में change भी होता रहेगा। example देख लो, set of integer under addition, आप मुझे बताइएगा सोच के, commutative है, binary operation भी है, क्योंकि यहाँ a star b का मतलब है a plus b, पहले बात समझ लीजिएगा। कम्यूटेटिविटी कैसे वेरीफाई करेंगे, कम्यूटेटिव भी है ये आप ऐसे वेरीफाई करेंगे ए प्लस बी सेम एज बी प्लस ए आएगा। एसोसिएटिव भी आप चेक कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ऐसे सफल करी, ये सारी बातें एक ही है।
नेक्स्ट आता है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव हो गया, फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी मुझे ई सर्च करना, और वो ई इस सेट का एलिमेंट भी होना चाहिए, ए स्टार ई। एक बार मुझे जाके अच्छे से समझा दें, क्या देखे सर समझा देंगे फिर। आ गया तो ई इक्वल टू जीरो आ गया। अब मुझे बताइए क्या ये जीरो जेड को बिलोंग करता है? आप किसी भी इंटीजर में, किसी भी इंटीजर में जीरो जोड़ दें या जीरो में इंटीजर जोड़ दें, एक ही बात है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अच्छे से? फोर्थ इसमें जो लास्ट आता है जिसको हम कहते हैं फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। दैट इज फॉर ईच ए बिलोंग्स टू द सेट ए देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए स्टार बी इज सेम एज बी स्टार ए इक्वल टू, अगर आइडेंटिटी आ जाए तो देन ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। आराम से समझना, अभी हमने इंटीजर वाला एग्जांपल किया था, क्या डिफाइन किया हुआ था? ए स्टार बी किसके बराबर आ रहा था? ए प्लस बी। वहाँ ई कितना निकाला था आपने? जीरो। अब मुझे इनवर्स निकालना है तो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा? ए स्टार बी और बी स्टार ए मस्ट बी इक्वल टू क्या आना चाहिए? ई। अब वैल्यू स्टार का मतलब यानी ए प्लस बी क्या है? जीरो। तो हम किसके लिए सोल्व करेंगे? ए के बी के लिए सोल्व कर लो, तो बी किसके बराबर आया? माइनस ए। तो एडिटिव इनवर्स क्या आ गया ए का? माइनस ए। आता है नहीं आता है? हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स क्या आता है? उसके नेगेटिव साइन के साथ आता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। अब जरा पहला क्वेश्चन है, ए स्टार बी दे रखा है एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। अब 12 स्टार 4 का मतलब क्या आ जाएगा? एच सी एफ ऑफ 4 एंड 12 क्या है भाई, बता सकते हो? नहीं, फोर आएगा, फोर आएगा। फोर और ट्वेल्व को डिवाइड करने वाला कौन सा कॉमन नंबर है? फोर। ये तो सिंपल है कि दोनों को डिवाइड करने वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? फोर है। ठीक है, अब सुनिए सर ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर हमें प्रूव करना है कि दैट इज ए स्टार बी मोड ए माइनस बी लिखा है, सो वी हैव टू प्रूव दैट हियर द स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। चेक कर लेते हैं, स्टार इज कम्यूटेटिव जैसे बिकॉज ए स्टार बी इज मोड ए माइनस बी एंड विच इज ऑलवेज सेम एज मोड बी माइनस ए विच इज इक्वल टू बी स्टार है। एसोसिएटिविटी अगर कोई चीज हमें दिखानी नहीं है तो इसका मतलब हमें कॉन्ट्राडिक्ट करना पड़ेगा, यानी एसोसिएटिविटी का मतलब हुआ कि ए स्टार शुड बी सेम एज, क्या होना चाहिए था? अगर ये लिखता तो ये किसका मोड आता? एक काम करना, अपने पास से एबीसी नंबर चूज ही कर लो यार, क्या लेना चाहते हो? लेकिन हमें यहाँ बता नहीं रखा किस सेट पे। चलो मैंने ले लिया ऑन, किसी पे भी ले लो, रियल लाइन पे ले लो, ऑन आर ले लो, 1 2 3 ले लें, चलो ले लिया। व्हाट इज बोर्ड बी माइनस सी? 1। तो ए स्टार कितना, लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हूँ, और व्हाट इज 1 स्टार 1? 0। अगर ए माइनस बी लेते हैं तो कितना आता? 1। और 1 स्टार 3? 2 1। डिफरेंस आएगा ना मोड दोनों का? 2 आएगा। हाँ सॉरी 2 आएगा। क्या 0 इज नॉट इक्वल टू 2, तो हैंस नॉट एसोसिएटिव। समझ में आ गई बात? कॉन्ट्रडिक्शन कैसे दिया? जब भी ऐसा हो तो कॉन्ट्रडिक्शन सर्च करना है, मिल गया? कहता कि पहले ये प्रूव करिए कि जो ये ऑपरेशन है, प्रूव दैट स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन
एंड द नेक्स्ट वन इज चेक द एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी। ठीक है, ये हमें चेक करना है, देखिए कैसे करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन कैसे मैं बता दूं, प्रूव करते हैं। ए और बी बिलोंग्स टू क्यू, वेयर क्यू इज रैशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो एक बात, ये दो रैशनल नंबर्स का डिफरेंस वो भी क्यू में आएगा, yes. उनका प्रोडक्ट भी क्यू में आएगा, yes, तो डिफरेंस दिस विल टुगेदर विल इंप्लाई ए माइनस बी प्लस ए बी, वो भी क्यू में आ गया, तो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। ये तो दिखाना था सबसे पहले, सो देयरफॉर स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ओके, ये पहली चीज। अब मुझे चेक करना है इसका कम्यूटेटिविटी। आराम से देखना, ए स्टार बी आपके पास आया, ए माइनस बी प्लस कितना आया, लेकिन अगर बी स्टार ए निकालूंगा तो कितना आएगा, बी माइनस ए आएगा। क्या दोनों बराबर आएंगे, जरूरी है क्या? नॉट नेसेसरी। सिमिलरली अगर आप एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, लेट अस चेक एसोसिएटिविटी, वो कैसे जज करेंगे एसोसिएटिविटी। ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर बी स्टार सी को सोल्व करते हैं तो आपके पास कितना आता है, बी सी। दिस इज माई एल एच एस। ठीक है, इसको हमने मान लिया एल्फा, तो ए स्टार एल्फा कितना आ जाएगा, ए माइनस एल्फा प्लस एल्फा टाइम्स ऑफ ए। एल्फा की वैल्यू डाल दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी माइनस बी सी आएगा, प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। दिस इज एल एच एस। नाउ सी आर एच एस भी हम सोल्व कर लेते हैं, वो कैसे आएगी आर एच एस वो भी देख लीजिए। आर एच एस, आर एच एस हमारी क्या है, ये है ए स्टार बी स्टार सी, दैट इज इक्वल टू एज पर आवर ऑपरेशन। पहले इस ब्रैकेट का सोल्व करेंगे, ए माइनस बी प्लस ए बी बेटा, इस क्वांटिटी को आप ले लीजिए बीटा, तो बीटा स्टार सी, तो कितना आएगा, बीटा माइनस सी प्लस बीटा टाइम्स ऑफ सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, ए माइनस बी प्लस ए बी सी, तो कितना आ गया, ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस सी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। कंपेयर करिए, क्या ये दोनों रिजल्ट्स एक जैसे हैं क्या, माइनस बी सी आ रहा है प्लस ए बी सी आ रहा है, सेम ही तो आ रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। चलो, बड़ा स्टाइल से बोलता तो सुनो ना। ये क्वेश्चन देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ हमने ऑपरेशन डिफाइन कर रखा एन क्रॉस एन पे, तो एन क्रॉस एन का एक एलिमेंट क्या कैसे आएगा। यहाँ मेरा डिस्कशन क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू चेक हियर, एवरीथिंग एवरीथिंग मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इनवर्स एसोसिएटिविटी कम्यूटेटिविटी एंड बाइनरी ऑपरेशन, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। नाउ सी, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, है जी। कारण, ये एलिमेंट मुझे एन क्रॉस एन से बिलोंग कैसे कराएंगे, अगर आर एच एस किससे बिलोंग करनी चाहिए, एन क्रॉस एन, वो एन क्रॉस एन से कब बिलोंग करेगी, ये भी नेचुरल नंबर हो और ये भी नेचुरल नंबर है। आराम से समझ लेना क्या आएगा, ए सी ए बी सी और डी नेचुरल नंबर्स हैं, तो दो ए सी भी नेचुरल नंबर आ जाएगा, दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, और बी डी भी नेचुरल नंबर आ जाएगा, तो दिस विल टुगेदर विल इम्प्लाई ए सी कोमा बी डी किसको बिलोंग कर गया, एन क्रॉस मिल गया।
लेकिन अगर सेल समझ में आ रहा है आपको कैसे लिखना है. सो देयरफॉर आपने क्या देखा, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी हमेशा बिलोंग करेगा एन क्रॉस एन को. तो स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन. तो हेंस स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन क्रॉस एन. क्लियर है, कोई दिक्कत? नो सर. चलो अच्छी बात है, एक बात ये आ गई. नेक्स्ट वन इज समझिएगा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कम्यूटेटिविटी. कम्यूटेटिव आपने ए स्टार बी लिख रखा है, सॉरी ये ए सी कॉमा बी डी, इसको उल्टा ऑपरेट कर लीजिए. सी कॉमा डी स्टार ए बी अगर मैं लिखूंगा, देखिए एक्चुअल में तो ऑपरेशन क्या है, ये पहले वाले कोऑर्डिनेट्स का प्रोडक्ट, तो यहाँ पर भी पहले पहले करेंगे तो सी आएगा और फिर कितना आएगा डी बी. क्या मैं लिख नहीं सकता विच इज सेम एज ए सी और बी डी, विच इज इक्वल टू होगा कम्यूटेटिव. नेक्स्ट आप एसोसिएटिविटी चेक करोगे. देखिए अगर आपको बताओ तो सबसे आसान क्वेश्चन में से बाइनरी का बढ़ता है, फंक्शन का क्वेश्चन अटक जाता है लेकिन बाइनरी में कम से कम बच्चा मार्क्स ले जाता है. देखिए कैसे लिखे जाएगा, मुझे एसोसिएटिविटी दिखानी है तो ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ ये लेंगे, यहाँ एक ब्रैकेट डाल देंगे, मस्ट बी सेम एज ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी, यहाँ एक ब्रैकेट डाल दी स्टार ई कोमा एफ. देख लीजिएगा तो पहले एल एच एस देख ला कितना आ जाएगा सी ई कोमा डी एफ विच इज सेम एज ए सी ई एंड बी डी एफ. क्लियर है? अगर आप आर एच एस देखेंगे कितना आएगा ए सी कोमा बी डी स्टार ई कोमा एफ कितना आ जाएगा ए सी ई बी डी एफ. क्लियर है? यस सर. दोनों साइड बराबर आ रही है क्या? यस सर. हो गया. अब लास्ट का यार देखिए नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द सेम क्वेश्चन, लेट अस टॉक अबाउट द आइडेंटिटी एलिमेंट. ऐसे क्वेश्चन में आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालेंगे. ए कोमा बी को ऐसे कौन से ई वन कोमा ई टू के साथ ऑपरेट करूं कि लौट के ए कोमा बी आए. यहां से निकालेंगे, देखिएगा जरा ध्यान से डेफिनेशन लगा देंगे. तो डेफिनेशन लगाने पर क्या आएगा ए ई वन कोमा बी ई टू इज इक्वल टू ए कोमा बी. दो ऑर्डर्ड पेयर कब बराबर होते हैं, ए ई वन मस्ट बी इक्वल टू ए बी ई टू इक्वल टू बी. बी से बी कट गया क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं, कट कर सकते हैं. तो आइडेंटिटी क्या आ गया इसमें, क्या ये एन क्रॉस एन को बिलोंग कर रहा है. अब नेक्स्ट आता है इनवर्स. ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी किसके साथ ऑपरेट करें कि वो क्या है वन कोमा वन, यही तो बनेगा आइडेंटिटी. क्या था डेफिनेशन, ए स्टार बी मस्ट बी इक्वल टू ई, और वो ई पहले ये सोल्व करोगे तभी तो ये आएगा. लगाओ ए सी बी डी और ज्यादा दिक्कत आती है. अब एक काम करो कंपेयर कर लो ए सी इक्वल टू वन बी डी इक्वल टू वन, तो मुझे सी ओ डी के लिए सोल्व करना है. इट डज नॉट नीड नॉट बी नेचुरल नंबर, जरूरी है क्या? नो सर. तो इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. समझ में आई बात? इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. ये पावर सेट पे भी कुछ सीखते हैं. पावर सेट जानते हैं, कुछ आइडिया है क्या होता है ऐसा सेट जो हर रोज जिम में जाता है पावरफुल. ठीक है, क्या बात है, जोक मार रहे हो. लेट ए बी एनी सेट, चलो एस ई ले लिया. ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते, मान लो सेट एस है ए कोमा बी. तो जब आपने बचपन में सीखा था पावर सेट कैसे लिखते हैं, जैसे फाई ए पी, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं हम, और क्या ये पावर सेट है. इस ब्रैकेट इस सेट में जो कुछ लिखा जाता है वो राइट इन इस एस के सारे सबसेट होते हैं.
तो यार नोटेशन का एक कन्वेंशन बना लियो ना, पी एस का मतलब क्या है, इसमें वो एक्स सच दैट एक्स सबसेट आएगा एस का, और इक्वल टू भी हो सकता है, यही आएगा। यस सर। यहाँ इसने क्या किया, क्या एक फंडा यहाँ पे डिफाइन किया, इस पे एक यूनियन के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन डिफाइन किया। आराम से समझना जो बात टेक्निकली समझा रहा हूँ। सरदार थोड़ी देर चुप रहना। ए स्टार बी इज ए यूनियन बी फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एस। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? 100% है। अरे भैया जब ए बिलोंग कर गया पावर सेट ऑफ एस को तो इसका मतलब ए सबसेट है एस का, बी बिलोंग कर गया पावर सेट ऑफ एस का तो बी भी सबसेट है एस का। यार इन दोनों ए और बी के सबसेट करने पर क्या या यूनियन एस से बड़ी हो सकती है ना? तो इसका मतलब ए यूनियन बी किसको बिलोंग कर गया, पावर सेट ऑफ एस। तो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। यस। आराम से एक एक बात समझते जाना आप जरा, इसमें मैं पूरा पोस्टमार्टम कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का। अगला कमुटेटिव कैसे, ए स्टार बी आया ए यूनियन बी, बी स्टार ए क्या आया यूनियन ए, क्या दोनों बराबर होते हैं? यस सर। तो इसका मतलब स्टार इज कमुटेटिव। यस। एसोसिएटिव 100% है या नहीं है? यस सर। कैसे है देखो, क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी इज सेम है, क्योंकि यूनियन इज ऑलवेज एसोसिएटेड। अब बात करते हैं आइडेंटिटी की। अब बात पड़ेगी आपसे पूछेंगे, ए स्टार एक्स को ऐसे कैपिटल कौन से ई के साथ ऑपरेट करूँ कि सेट ए आए, ए यूनियन ना ना बेटा वो यूनिक होना चाहिए, फाई आएगा या कुछ और भी आएगा, फाई होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक कह रहे हो। किसी भी सेट के साथ वो करेंगे तो ई क्या आना चाहिए, फाई, तो फाई इज द क्या आया, इनवर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ए को ऐसे कौन से कैपिटल एक्स के साथ ऑपरेट करे कि फाई आए, यानी ई यूनियन एक्स आए और फाई आ जाए, कब पॉसिबल है? ना ट्रांसपोज क्यों, यहाँ ट्रांसपोज कौन सा होता है, इनवर्स नहीं नहीं फाई होगा, नहीं नहीं, देयर इज ओनली एलिमेंट नेमली व्हिच इज इनवर्टिबल दैट इज फाई। यूनियन लेने पर कभी भी आपने देखा है यूनियन लेने पर सेट बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। तो यहां पर बात एक बात अच्छे से समझ लेना, ये यूनियन फाई तभी होगी जब ए भी फाई हो और एक्स भी फाई हो। समझ में आई बात? यार एक बात आओ ना, किसी में कुछ है, एक बात एक ऐसे समझ लो सिंपल, एक गिलास में पानी है और एक में पानी नहीं है, अगर मैं मिक्स करूंगा तो एम्प्टी रहेगा या नॉन एम्प्टी रहेगा, चाहे इधर से इधर डालो या इधर से इधर डालो तो पानी तो जा ही रहा है। अगर दोनों गिलास खाली है, इधर से इधर कर लो चाहे कुछ कर लो तो खाली रहेगा। तो अब बात समझ में आ रही बात, so there is only one invertible element namely phi, phi is the only invertible element। क्या ये फंडा क्लियर हुआ? यार इसमें ना एक और मेरे मन में ख्याल आ रहा, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो 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 इधर देख, देखो ए स्टार बी मैंने डिफाइन कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एस, इस पे भी डिस्कशन कर ले लगे हाथ देखने का। ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, इस बात का मतलब लिख दो ए इज अ सबसेट ऑफ एस। यार इनका इंटरसेक्शन नहीं आएगा इसका सबसेट, तो पावर सेट ऑफ ए सॉरी ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एस, दिस विल इंप्लाई स्टार इज क्या, बाइनरी। अब अगला देखिएगा, कम्यूटेटिव है क्या? बिल्कुल है। यस सर। ए स्टार बी आ गया ए इंटरसेक्शन बी, राशिंग बड़ा बोरिंग पढ़ा रहा हो ना, नींद आ रही तेरे को? बोल दे क्या फर्क पड़ता है,
मेरा काम तो वही रहा है ना, इसकी मम्मी को दिखा दूंगा वीडियो, ये देखो क्लास नॉट अटेंडिंग इन द क्लास एसोसिएटेड, देखना जरा मेरा काम तो आसान हो जाएगा ना, बिकॉज आई हैव विटनेस, मतलब एविडेंस, एविडेंस सर वीडियो पे बोल रहे हो। अच्छा वीडियो में बोल रहे थे सिमर, सारी वीडियो इंटरसेक्शन सर, सिमर सारी वीडियो पिटता रहेगा। देखो जरा ध्यान से, ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड आई थिंक इट इज ऑलवेज देयर। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, या गलती करता है बच्चा। ए स्टार ई इक्वल टू क्या है, ए ई सेम आएगा एस, पावर सेट एस का ए नहीं आएगा, ए के साथ इंटरसेक्ट, लेकिन ये बेटा ये पूरे इसमें मैंने पहले लिखा था यूनिक एलिमेंट होना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट, ऐसा थोड़ी कि एलिमेंट बदले तो फिर आइडेंटिटी बदले, ऐसा कभी देखा इंटीजर में एडिशन के रिस्पेक्ट में हमें आइडेंटिटी बदलेगी क्या, जीरो ही ना सब में डालने पर। एक बात बताइए ना, सबसे बड़ा सेट क्या है एस, एस के साथ इंटर, आप सुनिए जरा ध्यान से, एस ये पी एस का मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ एस, इसका मतलब एस के सारे सबसेट है ना, तो एस के साथ इंटरसेक्शन लेने पर वही तो सेट आएंगे। अगर मैं एक बात आप समझ लेना, एक छोटा सा रिव्यू देख लीजिए, ए सबसेट है बी का, इंटरसेक्शन करने पर क्या आएगा, छोटे वाला सेट आएगा या बड़े वाला आएगा, जूनियर में बड़ा वाला। तो एक बात आओ, तो यहां पर ई क्या आएगा, एस, एस के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन लो वही सेट नोट क्या आएगा, तो एस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट आया इसमें इनवर्टिबल, ए स्टार एक्स ले लेते हैं, क्या है एस, ट्रांसपोज, तो बेटा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता लेकिन एक ट्रांसपोज के साथ ट्रांसपोज तो होता ही नहीं बेटा, ट्रांसपोज सेट थ्योरी में कभी ट्रांसपोज कॉन्सेप्ट नहीं। अब प्लीज आराम से बात समझ लेना, प्लीज 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 प्लीज, देयर इज ओनली नेमली वन एलिमेंट व्हिच इज इनवर्टिबल व्हिच इज द सेट एस इटसेल्फ। आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप हर उस बात का जवाब दीजिएगा, ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ और आप आपके सामने जो ये चीज, हमने एक सेट लिखा फाइव, ये किसका पावर सेट, आप ही देखना यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए किसका पावर सेट है, इसका किसके साथ इंटरसेक्शन करें, क्या ऐसा पूरा ये ए कोमा बी आ जाए, कोई भी नहीं है इसमें से कोई ऐसा एलिमेंट जिसके इंटरसेक्शन है नहीं ना, ना इसका है ना इसका है ना इसका है, यही है वो, ये यहाँ पे ये यही क्या है, ऐसे तो है, दिस इज द एस, सो यू कैन से दैट हियर एस इज द ओनली इनवर्टिबल एलिमेंट, और ये एनसीईआरटी की मिसलेनियस का क्वेश्चन है। एक यार वो टेबल वाला क्वेश्चन कहाँ गया, एक ये भी करा देते हैं, एक एक बार आता है देख लो, कुछ नहीं बड़ा टुच्चा सा क्वेश्चन है, लोग इसको ना बड़ा महंगा क्वेश्चन समझते हैं, समझा देते हैं, जब भी फाइनाइट सेट दे रखा हो तो टेबल बना के कैसे क्वेश्चन को अटैक करते हो, टेबल से आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट कैसे निकलेगा, टेबल से निकाल के दिखा देंगे, देखना जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, पहले सारे एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लिख लेंगे, यहाँ पर भी लिख लीजिए जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ स्टार लिख लिया, अब ऑपरेशन को समझने का, यहाँ इस जीरो से स्टार्ट करिए, कर ले, अगर हम इस जीरो से स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ दो तरह से ऑपरेशन डिवाइड हो रहा है, अगर सम छः से छोटा है तो सम करके छोड़ दीजिए, तो जीरो वन टू थ्री फोर, सब में जीरो ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, वन करो कितना आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव जीरो, कैसे सम छः आ गया, छः या छः से ज़्यादा तो सिक्स सबट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा जीरो, टू से करें टू थ्री फोर फाइव जीरो वन, इज दैट ओके, यहाँ देखिएगा कितना कितना
ये आ रहा अब तो आपको पैटर्न पता पड़ गया। इसको पूरे को बोलते हैं आउटपुट, क्या बोलते हैं इसको हम आउटपुट। क्या इस आउटपुट में बिलोंग्स टू द सेट और नॉट, सेट क्या था 0 से 5 ये था बिलोंग कर रहा है। अगर इस आउटपुट में सेट्स के अलावा कोई और एलिमेंट आ जाता है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं आ गया। चलो ये जो सेट बना, ये आउटपुट बना, इस आउटपुट की मैट्रिक्स को लिख लो। सर मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, 0, 1, 2, 3, 4, 5 को बता सकते हैं कितने बाय कितनी मैट्रिक्स है? 6 by 6। कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर। ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, ऐसे मन कर रहा था क्योंकि जानने की कि तुम्हें 3 by 3 से ऊपर मैट्रिक्स आती है नहीं आती। इस मैट्रिक्स को ए ले लो, ले लिया। अब नोटिस करेंगे इस मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आएगा। अगर ऐसा हो जाता तो अब स्टार क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। इफ ए स्टार इक्वल टू ए देन स्टार इज कम्यूटेटिव। कर लोगे ऐसे? अरे ए है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, चेक भी कर सकते हो। देखो A12 एलिमेंट A21, ये सारा मिलेगा, आप कहीं पे देख लेना, इट इज ऑलवेज देयर। एसोसिएटिविटी चेक करनी पड़ेगी, एसोसिएटिविटी क्या करोगे आप, चेक करेंगे आइडेंटिटी। अब देखो आगे जो मेरा काम है वो बड़ा आसान कर देता हूँ, आइडेंटिटी वगैरह कैसे निकालेंगे। आइडेंटिटी साफ साफ दिख रहा है, ऐसी यहाँ से स्टार्ट करिए, हमने ऑपरेशन यहाँ से स्टार्ट किया था। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिससे ऑपरेट करने पर एज इट इज एलिमेंट रिपीट हो रहा है, 0 से आ रहे हैं। वर्टिकली भी देखो कहाँ 0 पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब जहां जहां आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है उसको मार्क कर लो, टेबल में मार्क कर लो कैसे? हो गया। यहां आप देखेंगे, यहां एक ऐसे एरो बनाएंगे, ये बता क्या है, इनवर्स एलिमेंट्स के। अब खुद देखो ना, किसको किसके साथ ऑपरेट करने पर टेबल में 0 अपीयर हो रहा है, 1 को 5 के साथ। समझ में आ रही बात? तो यहाँ 0 का इनवर्स कितना है, 0, 1 का इनवर्स और 2 का इनवर्स, 3 का इनवर्स 2 होगा, हाँ 3 का इनवर्स, सॉरी 3 है, ठीक है। ऐसे मन कर रहा था, 4 इनवर्स इज 2, 5 इनवर्स इज 1। आई होप सबको ये फंडा क्लियर। इनवर्स इनवर्स बेटा, आइडेंटिटी तो 0 है सब में, अरे इनवर्स भी यूनिक है, यहाँ पे एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स है, एक एलिमेंट के 2 इनवर्स तो नहीं आए ना। जब भी फाइनाइट सेट होगा तो टेबल बना के करोगे। आई होप सारे फंडे क्लियर हो गए, आज बाइनरी के कर पाओगे, आ जाएगा।